ये वीडियो मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग ऑनलाइन कोर्स का पार्ट है ये कोर्स आप कालातीत कौशल डॉट आई एन वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हो ये फ्री ऑनलाइन कोर्स है और इसके लिए आपको कोई रजिस्ट्रेशन की भी ज़रूरत नहीं है इस वीडियो में हम आर्डविनो के बोर्ड नैनो थर्टी थ्री बी एल ई सेंस को समझेंगे आर्डविनो नैनो थर्टी थ्री बी एल ई सेंस बोर्ड यूज़ करते हुए आप आर्डविनो पर मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स बना सकते हो इस बोर्ड की खास बात क्या है कि इसमें सेंसर्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं यानी कि वो ऑन बोर्ड अवेलेबल हैं मोस्टली जो आडविनो के बोर्ड्स हैं उनमें सेंसर्स बोर्ड पर नहीं होते हैं अलग से अटैच करने पड़ते हैं तो नैनो थर्टी थ्री बी एल ई सेंस में एक नाइन एक्सेस इनर्शियल सेंसर है नाइन एक्सेस इनर्शियल सेंसर का मतलब है कि एक सेंसर है जो कि एक्सेलेरोमीटर यानी कि चेंज इन स्पीड जायरोस्कोप यानी कि चेंज इन ओरिएंटेशन और मैग्नेटोमीटर इन तीनों पैरामीटर्स को नापता है आर्डिनो Nano थर्टी थ्री बी एल ई सेंस में ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर भी है प्रेशर सेंसर है एक डिजिटल माइक्रोफोन है जिससे कि आप साउंड्स को कैप्चर कर सकते हो और मशीन लर्निंग यूज़ करते हुए उनको रियल टाइम में एनालाइज भी कर सकते हो इसमें एक जेस्चर सेंसर भी है एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी है और कलर और लाइट इंटेंसिटी यानी कि ब्राइटनेस सेंसर भी है इन ऑन बोर्ड सेंसर्स के अलावा इस बोर्ड की खास बात है कि ये एक ए आई एनेबल्ड बोर्ड है जिसमें कि आप मशीन लर्निंग बेस्ड एज कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस चला सकते हो एज कंप्यूटिंग क्या होती है ये हम अभी समझेंगे आप टाइनी एमएल यानी टाइनी मशीन लर्निंग यूज़ करते हुए जैसे कि टेंसर फ्लो लाइट आप मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हो और उन मॉडल्स को फिर आप इस बोर्ड में आडविनो आई यूज़ करते हुए अपलोड कर सकते हो टाइनी एम और टेंसर फ्लो क्या है इसको भी हम समझेंगे तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि एज कंप्यूटिंग क्या है तो अगर हम ट्रेडिशनल कंप्यूटर आर्किटेक्चर देखें तो एक सर्वर था यानी कि कई सारी पावरफुल मशीन्स जो हैं वो एक सर्वर फार्म या एक बिल्डिंग में होती हैं और आजकल ये जो सर्वर फार्म्स हैं ये अधिकतर क्लाउड बेस्ड हैं और फिर जो डिवाइस हैं जैसे कि पी या लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन या फिर फैक्ट्री में लगे इंडस्ट्रियल रोबोट्स या फिर बहुत सारे जो सेंसर्स आज के दिन यूज़ हो रहे हैं ये सारे जो डिवाइस हैं ये टिपिकली क्लाउड से कनेक्टेड होते हैं और हम इनको क्लाउड के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं और ये जो सारे डिवाइस हैं ये डिवाइस ऑन दी एज कहलाते हैं एज मतलब कि जो बिल्कुल बाउंड्री लाइन है उस पर हैं क्योंकि ये फाइनली ये डिवाइसेस जो हैं, वो कंज्यूमर के हाथ में हैं या फिर कहीं फैक्ट्री में डिप्लॉयड हैं यानी कि वो जो मेन सर्वर नेटवर्क है उससे बहुत दूर हैं सो इनको डिवाइस ऑन दी एज कहते हैं जब हम ये इंश्योर करते हैं कि ये डिवाइसेस बाय दम कंप्यूटिंग केपिबलिटी रखते हों डेटा स्टोरेज केपेबिलिटी रखते हों यानी कि इवन अगर ये जो हमारा सर्वर है जो हमारा क्लाउड है उससे बहुत दूर भी हैं तब भी ये कंप्यूट कर सकते हैं और डेटा को स्टोर कर सकते हैं तब हम कहते हैं कि इस किस्म की जो कंप्यूटिंग हो रही है उसको हम एज कंप्यूटिंग कहते हैं क्योंकि ये कंप्यूटिंग जो है ये डिवाइस के अंदर ही हो रही है क्योंकि इन डिवाइस में ये कैपेबिलिटी है कि वो कंप्यूटेशन कर पाएँ और वो डेटा को स्टोर कर पाएँ जब हम डिवाइसेस ऑन दी एज की बात कर रहे हैं तो उसमें कई सारे रोज़मर्रा के डिवाइसेस भी हैं जैसे कि स्मार्ट वॉचेस या सीसीटीवी या कॉफ़ी मशीन्स और जब हम इन एवरीडे थिंग्स में कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी एम्बेड कर देते हैं और साथ ही ये डिवाइस केपेबल होते हैं कि ये डेटा जो है उसको स्टोर भी कर पाएँ और सेंड और रिसीव भी कर पाएँ तब हम कहते हैं कि ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स बन जाता है और ये जो एवरीडे थिंग्स हैं जब इनमें कंप्यूटेशन एबिलिटी कि स्मार्ट वॉच में बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं या फिर कंप्यूटिंग चिप लगी हुई है या सीसीटीवी जो है वो आज के दिन विजन सेंसर के तरीके से आता है जो कि फेस रिकोगगनीशन कर सकता है या ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कर सकता है ऑब्जेक्ट रिकोगनीशन कर सकता है तब हम कहते हैं कि ये जो एवरीडे थिंग्स हैं इनमें अगर कंप्यूटेशन एबिलिटी है और डेटा स्टोरेज की एबिलिटी है तो ये जो डिवाइस हैं ये भी एज कंप्यूटिंग का पार्ट बन जाते हैं इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं मान लो एक गैस uh, पाइपलाइन है जिसमें कि प्रेसराइज गैस जो है वो फ्लो कर रही है और इस पाइपलाइन में एक प्रेशर सेंसर लगा है जो नापता है कि अगर प्रेशर इसका बहुत हाई हो जाए तो वो क्लाउड को कम्युनिकेट कर सकता है कि प्रेशर जो है वो बढ़ रहा है और फिर हो सकता है कि इसमें नॉट जस्ट प्रेशर सेंसर है बट प्रेशर सेंसर है टेम्परेचर सेंसर है और वेरिएबल्स uh, हैं और इन सब वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए हमने कोई मशीन लर्निंग का मॉडल डेवलप किया है जो कि फिर ये बता सकता है कि ये पाइपलाइन uh, को कब शट ऑफ करना हो जबकि प्रेशर टेम्परेचर और वेरिएबल्स और जो हैं वो एक लिमिट के ऊपर चले जाएँ अगर ये जो मशीन लर्निंग का मॉडल है ये क्लाउड पे बेस्ड है जब ये जो पैरामीटर्स हैं टेम्परेचर प्रेशर अगर ये चेंज हो रहे हैं मान लो कि इस पाइपलाइन का प्रेशर बढ़ रहा है तो जो टाइम लगे, लगेगा उस इस डिवाइस को क्लाउड से कम्युनिकेट करके उस मशीन लर्निंग मॉडल पे बेस्ड कुछ डिसीजन लेने का जैसे कि टू शट डाउन दी पाइपलाइन तो हो सकता है कि इसमें टाइम बहुत लगे या हो सकता है कभी कनेक्टिविटी जो है वो ना मिले तो इन सारी फैक्टर्स की वजह से ये जो मॉडल है ये बहुत रिलायबल मॉडल नहीं है इंस्टेड अगर हम ये कर पाए कि जो हमारा सेंसर है वो सेंसर जो है वो एक स्मार्ट सेंसर है यानी कि उसमें कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एम्बेडेड है यानी कि जो मशीन लर्निंग मॉडल हमने बनाया था जिसमें कि हमने प्रेशर टेम्परेचर और वेरिएबल्स और के बेसिस में कुछ डिसीजन मेकिंग एम्बेड करी थी तो ये जो मशीन लर्निंग मॉडल है जो इस सेंसर को आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाता है वो क्लाउड पे ना होते हुए इसी डिवाइस पर है यानी कि ये एज बेस्ड डिवाइस है और इसी में हमने मशीन लर्निंग को एम्बेड कर दिया है तो आप कह सकते हो कि ये जो आडविनो बी एल ई सेंस जो बोर्ड है वो एक एज बेस्ड स्मार्ट डिवाइस है क्योंकि इसमें हम मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं उनको क्रिएट करके हम डिवाइस में ही एम्बेड कर सकते हैं और क्योंकि इस डिवाइस में कई सारे सेंसर्स लगे हुए हैं वो ये डिवाइस ये सेंसर्स और मशीन लर्निंग मॉडल्स को यूज़ करते हुए एज में ही इस किस्म की कैपेबिलिटी रखता है कि ये इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग खुद से कर पाए बिना किसी क्लाउड बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल पे रिलाई करे और ये जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हम बना रहे हैं टेंसर फ्लो लाइट पर तो ये टाइनी मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है टाइनी मशीन लर्निंग का मतलब है कि वैसे जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं जैसा मैंने कहा कि उनको अच्छे सर्वर्स या अच्छे पीसीज की ज़रूरत है जिनमें कि बहुत कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी हो पर हम टेंसर फ्लो लाइट यूज़ करते हुए इस किस्म के मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हैं जो कि हमारे एज बेस्ड डिवाइस पर काम कर पाए तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि टेंसर फ्लो लाइट क्या है तो टेंसर फ्लो जो है वो गूगल ने एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाई है जिसको यूज़ करते हुए हम मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हैं ख़ासकर डीप न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करते हुए और अगर आप नहीं जानते हो कि मशीन लर्निंग मॉडल्स और न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं तो आप मेरे इन टॉपिक्स पर जो मेरे वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हो टेंसर फ्लो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और टेंसर फ्लो लाइट जो है वो इस टेंसर फ्लो पर बेस्ड है और ये एक सेट ऑफ टूल्स है जो कि इनेबल करता है कि हम ऑन डिवाइस मशीन लर्निंग कर पाएँ एज बेस्ड डिवाइसेस पर जैसे कि मोबाइल फ़ोन या फिर एम्बेड uh, सेंसर्स पर टेंसर फ्लो लाइट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने समझाया कि ये जो एज बेस्ड डिवाइसिज़ हैं इन इनमें इतनी कंप्यूटिंग पावर और इतनी मेमोरी स्टोरेज मेमोरी नहीं होती है कि ये बहुत बड़े जो टिपिकल मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं वो चला पाएँ तो uh, हम टेंसर फ्लो लाइट यूज़ करते हुए टाइनी एम यानी टाइनी मशीन लर्निंग मॉडल्स डेवलप कर सकते हैं और ये जो एज़ बेस्ड डिवाइस हैं ये आ, इनके पास इस किस्म का पावर सोर्स नहीं होता जैसा कि सर्वर्स या कंप्यूटर्स या पीसीज के पास होता है जो कि सीधे मेन से कनेक्ट होते हैं तो जैसा अगर आप इमेजन करो कि मैंने जो आपको गैस पाइपलाइन का एग्ज़ाम्पल दिया तो अगर ये गैस पाइपलाइन किसी रिमोट एरिया में जा रही है किलोमीटर्स अन किलोमीटर्स तो वहाँ पर अगर हम मोबाइल फ़ोन फॉर एग्ज़ाम्पल लगाते हैं तो जैसा आप जानते हो मोबाइल फ़ोन को आपको खुद रोज़ चार्ज करना पड़ता है तो रिमोट लोकेशन में ये पॉसिबल नहीं है तो इसलिए ये जो एच डिवाइसेस हैं जो कि बहुत लो पावर कंज्यूम करते हैं मान लो केवल एक कॉइन सेल पर चल सकते हैं या फिर किसी सोलर सेल पर चल सकते हैं तब ये बहुत यूज़फुल हो जाते हैं क्योंकि एक इनको मेमोरी रिक्वायरमेंट्स नहीं है और दूसरा इनकी पावर कंजम्पशन जो है वो बहुत लो है तो इस इस गैस पाइपलाइन में अगर हमारे पास इस किस्म के डिवाइसेस होंगे जिनको कि मान लो वंस इन सिक्स मंथ्स जाके हमारे को बैटरी को रिचार्ज करना है या बैटरी को रिप्लेस करना है तो वो बहुत ही यूज़फुल प्रूव होते हैं तो जो टाइनी एम मॉडल्स हम बनाते हैं उनको सर्वर uh, से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है वो डिवाइस के अंदर ही सेल्फ सफिशेंट होते हैं और मान लो कि ये डिवाइसेस को आप यूज़ कर रहे थे लेट्स से टू मॉनिटर ब्लड प्रेशर और कोई और हेल्थ बेस्ड इंडिकेटर्स तो हो सकता है कि आप अपना पर्सनल डेटा जो है वो किसी क्लाउड बेस्ड सर्विस के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो तो एक और फ़ायदा टाइनी एम और एज बेस्ड डिवाइसेस का क्या है कि जो पर्सनल डेटा इकट्ठा होगा वो केवल डिवाइस पे ही रहेगा वो और कहीं नहीं जाएगा तो प्राइवेसी के इश्यूज जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं और जैसा मैंने कहा इन डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है इनके जब हम मॉडल बना के इसमें अपलोड कर देते हैं तो वो उस डिवाइस पर ही सेल्फ सफिशेंट होता है तो आई होप आपको एक सेंस मिला कि आर्डविनो नैनो थर्टी थ्री बी एल ई सेंस जो बोर्ड है वो क्यों डिफरेंट है क्योंकि उसमें कई सारे सेंसर्स ऑन बोर्ड एम्बेडेड हैं और ये जो एच बेस्ड डिवाइस है ये टाइनी एम एल यूज करते हुए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशली इंटेलिजेंट एप्लीकेशन जो है वो चला सकता है तो नेक्स्ट हम इस पर्टिकुलर आर्डविनो बोर्ड में कुछ फ़न प्रोजेक्ट्स बनाना सीखते हैं जो नैनो 33 थ्री बी एल सेंस ये बोर्ड है इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो मोस्टली आर्डविनों के बोर्ड्स हैं वो फाइव वोल्ट पे काम करते हैं पर ये जो बोर्ड है ये 3.3 पॉइंट वोल्ट पे काम करता है तो अगर आप इसको यूएसबी से कनेक्ट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस इसमें जो वोल्टेज रेगुलेटर है वो अपने आप इस, इसको राइट right वोल्टेज सप्लाई करेगा पर अगर आप इसको किसी एक्सटर्नल पावर सप्लाई से कनेक्ट कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि ये केवल 3.3 पॉइंट वोल्ट पर चलता है मच लाइक माइक्रोबेट मैंने आर्डविनो आई लॉन्च करी है मेरे केस में जो आई है वो आडविनो नैनो को अपने आप रिकगनाइज कर रही है पर अगर आप जो आई जब आप लॉन्च करोगे अगर वो इस बोर्ड को रिकग्नाइज़ नहीं करेगी तो आपको टूल्स में जाके बोर्ड में जाके यहाँ बोर्ड मैनेजर सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर आपको बी एल ई थर्टी थ्री या पूरा नाम देके आपको सर्च करनी है और फिर आपको जो राइट right बोर्ड है इसको इंस्टॉल करना है मेरे केस में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो जब आपका बोर्ड और पोर्ट जो कि स्लैश डेव स्लैश सी यू डॉट यू एस बी मोडम जो भी पोर्ट है ये दोनों ठीक तरीक़े से रिकग्नाइज हो गए हैं और आई डी ई जो है वो बोर्ड और पोर्ट दोनों को रिकग्नाइज़ कर रही है तब आप फिर नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हो हम पहला जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं एयर स्नैर ये आपको एक्सपेरिमेंट्स डॉट विद गूगल डॉट कॉम स्लैश एयर स्लैश व्यू यहाँ मिलेगा ये सारे लिंक्स मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ तो इस वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो ये जो हम पहला प्रोजेक्ट बना रहे हैं इसके लिए हम जो हमारा बी सेंस है उस जिसमें कि एक आ, लो पावर्ड ब्लूटूथ एंटना लगा हुआ है उसको यूज़ करते हुए हम उसको वेबसाइट से डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे और इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये या तो क्रोम ब्राउजर पर या माइक्रोसॉफ्ट uh, एज ब्राउजर पे यूज़ करो क्योंकि इन दो पे ही ये जो ब्लूटूथ है ये ठीक से काम करता है तो फर्स्ट स्टेप आपको क्या करना है कि जब आप ये एयर स्नैर की वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ लिखा है कि यू नीड अ टी एफ फोर माइक्रो मोशन किट और अगर आप यहाँ ये गेटिंग स्टार्टेड गाइड पर जाओगे तो गिट का ये पेज खुलेगा इस पेज पर एक्सप्लेन किया गया है कि टी एफ फॉर माइक्रो मोशन किट आपको कैसे इंस्टॉल करना है तो ये आपने बोर्ड रिकग्नाइज़ करवा लिया ये आपने पोर्ट रिकगनाइज करा लिया और बोर्ड बोर्ड और पोर्ट रिकगनाइज करने के बाद आपको एक जो आडविनो का स्केच है उसको यहाँ से डाउनलोड करना है तो यहाँ जो ये स्टेप नंबर फोर में लिखा है डाउनलोड द लेटेस्ट रिलीज हिर अगर आप इसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये कुछ फाइल्स मिलेंगी और इसमें से हम ये जो टी एफ फोर माइक्रो मोशन किट आडविनो स्केच डॉट ज़िप फ़ाइल है इसको हम क्लिक करके डाउनलोड कर रहे हैं तो एक ज़िप फ़ाइल डाउनलोड हो गई है और अगर मैं इस ज़िप फ़ाइल को अनजिप करता हूँ तो मुझे यहाँ पर ये कई सारी फ़ाइल्स ऑल और, और मिलती हैं हमारे को चाहिए टी एफ फोर माइक्रो मोशन किट डॉट आई एन ओ क्योंकि जो डॉट आई फाइल्स होती हैं वो आर्डविनो की स्केच फाइल्स हैं हम इस को खोल रहे हैं तो ये ऑटोमेटिकली आडविनो आई पर खुलेगी और जब ये खुल जाएगी तो आपको इंश्योर करना है कि आपका ठीक बोर्ड और ठीक जो पोर्ट है वो सिलेक्टेड है अगर ये ठीक सब सिलेक्टेड है तो हम ये जो स्केच हमारा है हम इसको अपलोड करेंगे बोर्ड पर जब हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को अपलोड करते हैं तो स्केच कंपाइल करने में काफ़ी टाइम लगता है तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा जो हमारा स्केच है वो अपलोड हो गया है और जब ये अपलोड हो जाएगा तो आप देखोगे कि जो आपका बोर्ड है उसमें रेड ग्रीन और ब्लू जो लाइट्स हैं वो एक के बाद एक फ्लैश कर रही हैं इसका मतलब है कि जो ये पर्टिकुलर स्केच था ये ठीक से अपलोड हो गया है हम वापस एयर स्नेर वेबसाइट पर जा रहे हैं और यहाँ पर अब हम ये कनेक्ट का बटन दबा रहे हैं तो ये डायलॉग बॉक्स खुलता है और ये कह रहा है कि हमारे को पैर करना है तो हम पेयर इसको सिलेक्ट करते हुए हम यहाँ कह रहे हैं पेयर तो जब ये पेयर हो गया है तो ये अपने आप टेंसर फ्लो मॉडल जो है वो इस वेबसाइट से अब हमारे आडविनो बोर्ड पे अपलोड हो रहा है तो अपलोड होने के बाद अब हम इसे टेस्ट करके देख सकते हैं तो ये जो मशीन लर्निंग मॉडल हमने अभी अपलोड किया है ये तीन जेस्टर रिकगनाइज करता है टू द लेफ्ट तो अगर हम इसको लेफ्ट को मैं करता हूँ तो हमारा ये जो हाई हैट ड्रम किट है ये साउंड कर रहा है अगर मैं इसको लो करता हूँ तो जो स्नेयर हमारा ड्रम किट है वो साउंड करता है और अगर मैं हाई करता हूँ तो जो किक ड्रम है वो साउंड करता है इस वीडियो में हमने एक बने बनाए मशीन लर्निंग मॉडल को आडविनो नैनो थर्टी थ्री बी एल ई सेंस जो हमारा आडविनो बोर्ड है इसमें अपलोड किया और इस बोर्ड के ऑन बोर्ड सेंसर्स को यूज़ करते हुए एक ये मज़ेदार प्रोजेक्ट बनाया नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपना मशीन लर्निंग मॉडल खुद बना सकते हैं और उसको फिर इस बोर्ड में कैसे अपलोड करते हैं